हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्रिसमस डेकोरेशन बॉल पेंटिंग। सो गाइस, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रंगीला कलर। यस गाइस, ये आप सबने आपके बचपन में ज़रूर यूज़ किया होगा। सो इसी की हेल्प से हम ये वीडियो बनाएंगे और काफ़ी सिंपल होने वाला है। सो आप वीडियो में बने रहिए। गाइस, सबसे पहले आपको किसी ढक्कन का यूज़ करके या फिर किसी गोले शेप देने वाली चीज़ का यूज़ करके उससे पहले एक गोला शेप दे लेना है रैंडमली, ठीक है, जिस साइज़ का आपको चाहिए। एंड उसके बाद फिर आपको वाटर यूज़ करना है उस गोले के अंदर ही, ताकि आप जब कलर यूज़ करें तो कलर उसके आगे बाहर ना जाए। और ये पेपर थोड़ा सा मोटा है तो मुझे इसमें पानी ज़्यादा लगा, बट अगर आप नॉर्मल पेपर यूज़ करते हैं तो उसमें आपका पानी बहुत कम लगेगा और एक दो बार के ब्रश गीले होने से वो हो जाएगा। और इस तरीके से आपको हल्का सा पहले बॉर्डर कर लेना, ताकि आपको एक आइडिया पता चल जाए कि मतलब आपका कलर बाहर जा रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको इस तरीके से कुछ जगह छोड़ देनी है एंड फिर बाकी सारी जगहों पर पहले बाहर से डार्कर करते करते आना है और अंदर लाइट रखना है, इससे एक शाइनी लुक आएगी। ठीक है, बाहर से डार्कर करते आना है और अंदर एक शाइनी लुक के लिए हल्का यूज़ करना है कलर की। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा शाइन दिखानी है तो उस एरिया को आप कलर मिक्स करना, ठीक है। एंड फिर इसका यूज़ करके हम चॉकलेटी कलर का यूज़ करके हम हल्का सा और डार्कर शेड दे दे रहे हैं, ठीक है। और ये गाइस, पेपर मोटा होने की वजह से ये थोड़ा सा मतलब जो एग्जैक्टली जो एक नॉर्मल पेपर पर कैसा कलर स्प्रेड होता है जिस पर कम हो रहा है, इससे ज़्यादा वाटर लगाना पड़ता है हमें। अदरवाइज आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड को जो भी हम बता रहे थे आपको उसको हल्का सा डार्कर किया है और उसके बाद हम इसमें ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग ने शिमर कलर लिया है, गोल्डन चमकी कलर। ये एक्चुअली शायद कैमरे में उतना नहीं दिख रहा था, बट ये काफ़ी शाइनी लुक देता है अगर आप सामने से देखेंगे, क्योंकि इसका कलर ही काफ़ी शिमर होता है। एंड फिर इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कुछ गोला है कुछ बन नहीं है तो आप ये, मेरे पास फैब्रिक कलर था तो मैंने इसका यूज़ करके ढक्कन से एक गोला शेप दे दिया। एंड फिर इसको वाटर से मैंने फिर से सेम वही चीज़ की है जो मैंने आपको पहले बताया था, जगह को गीला कर लिया है। फिर उसके बाद हम कलर से उसको धीरे 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 साइड साइड के एरिया को पहले कवरअप करेंगे एक सही गोला शेप दे के। एंड फिर इसे ट्राई करेंगे कि बहुत लाइटली हम इस कलर को यूज़ करें। एंड जो क्योंकि हमें मतलब दो कलर एक साथ दिखाना है कि कलर में मतलब एक लाइटर और एक डार्कर, तो इसलिए एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पर शिमर कलर भी यूज़ कर रहे हैं। गाइस, शिमर कलर आप जब ये पेपर पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब यूज़ करना, क्योंकि ये पेपर हल्का था, गीला था, तभी मैंने इसे अप्लाई कर लिया था, इस वजह से ये इतना खिलके नहीं आ रहा। तो जब पेपर ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप अगर शिमर कलर अप्लाई करते हो ना तो काफ़ी शाइनी लुक देगा, तो आप वो ट्राई करना। एंड सेम प्रोसेस हम ढक्कन का यूज़ करके हम इस बार हम ग्रीन कलर बनाएंगे, सो ग्रीन कलर का बॉल बनाएंगे। तो हम पहले से अगेन हम इसे पहले गीला कर लेते हैं। एंड ये ऐसे भी अच्छा लग रहा था, बट मैंने सोचा कि थोड़ा फीका हो जाएगा तो इस वजह से मैंने हल्का हल्का डार्क कर दिया है सेंटर सेंटर में। एंड मैंने इससे भी शिमर कलर यूज किया है, बट इस एक्चुअली ना मतलब आई थिंक इससे शिमर कलर उतना पता ही नहीं चल। एंड फिर हम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। एंड अभी हम शिमर, क्योंकि हमारे पास दो शिमर है तो हम दोनों को मिक्स करके यूज़ करेंगे। इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लुक है। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। सो गाइस, कुछ इस तरीके से इसका पूरा लुक बनके तैयार होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।